रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक ऐसा चीज है जो अभी मोस्टली लोग जब से वो अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं उसी समय से अपने रिटायरमेंट का तैयारी करते, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि ना, एक होते हैं पुअर माइंडसेट, एक होते हैं रिच माइंडसेट। मैं आपको इन दोनों का रिटायरमेंट कैसे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो पुअर माइंडसेट वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसा को सेव करते हैं। नंबर दूसरा, जितने भी पैसा उन्होंने सेव किया था उसे से अपने सारे रिटायरमेंट गुजारते हैं। और नंबर थर्ड, जितना भी पैसा उन्होंने सेव किया था एंड होते होते सारा पैसा खत्म हो जाता है। फिर आता है रिच माइंडसेट का रिटायरमेंट कैसा होता है, जब उनके पास पैसा होता है, जब वो अपनी लाइफ में काम कर रहे होते हैं, जब रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे होते हैं, उस समय वो खरीद लेते हैं एसेट। और स्टेप टू क्या होता है कि वही एसेट उनके लिए पैसा जनरेट कर रहा होता है। और नंबर थ्री, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस एसेट को खरीदने के लिए, उससे कहीं ज्यादा पैसा उनके पास आता, मतलब रिटायरमेंट जिंदगी तो जी लिए, उसके बाद भी बहुत सारा पैसा उनके पास रह जाता है। सो यू कहते हैं ना, गरीब अमीर ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। और उसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, तो ये मेरा 60 डेज का रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ फाइनेंस के बारे में सिखाता हूँ, सिर्फ फाइनेंस के बारे में सिखाता हूँ। सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ योर बॉडी लैंड एवर हैज, देन इनरोल योर सेल्फ इन 60 डे फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, और फाइनेंशियल वीडियो के लिए हमें जरूर से जरूर फॉलो करें। साइनिंग ऑफ for the difference.